नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हर रोज़ फ्यूचर मेकर की जितनी भी न्यूज़ आती है, जो भी अपडेट होती है, आपको ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। अगर आप फ्यूचर मेकर के डिस्ट्रीब्यूटर हो या सपोर्टर हो तो कमेंट में जय फ्यूचर मेकर हो, जय राधे श्याम लिखना ना भूलें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो भी न्यूज़ देता हूँ वो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है करंट में उसी को ही देता हूँ। ये कोई मेरा कोई व्यवसाय नहीं है कि मैं किसी और कहीं से न्यूज़ बना के खुद इसमें डालूं और वो आपको परेशान करे, ऐसा कदा भी नहीं करूँगा। क्योंकि दोस्तों, आखिर मैं भी एक फ्यूचर मेकर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। दोस्तों, विश्व की आज तक इस तरह की कोई भी कंपनी नहीं है जो कंपनी किसी भी आदमी को या किसी भी कैंडिडेट को जल्द से जल्द करोड़पति बनाए और इतना पैसा जुटा दे कि वो जल्द से जल्द धनवान हो जाए, वो भी चंद ही दिनों में। चाहे कोई भी बिजनेस कर लो, इतना पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन फ्यूचर मेकर कंपनी इस तरह की कंपनी है, अगर आप उसमें मन लगा के कार्य करोगे तो आप जल्द ही लगभग 1 या 2 महीने के अंदर करोड़पति हो जाओगे। ये फ्यूचर मेकर कंपनी के सबसे अच्छे प्लान हैं। दोस्तों, सिर्फ 3 आदमियों की शिकायत पे और इतने बड़े लगभग 40,000 से अधिक लोग इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और जो दिन रात मेहनत करके कार्य कर रहे थे, और इस केस के कारण अब वो 40,000 से ज़्यादा ही जनता है, कैंडिडेट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका काम ठप हो गया और वो बेरोजगारी की कगार पे आने वाले हैं। तो दोस्तों, शिकायतकर्ता ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो शिकायत कर रहा है तो गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है या किसी के बहकावे में कर रहा है। ये तो जब केस सोल्व हो जाएगा उसके बाद ही पता लगेगा कि उसकी जड़ों तक जाना पड़ेगा, कौन कौन सी कड़ियाँ उसके साथ लगाई गई थी जब उस आदमी ने शिकायत करी होगी उसके बारे में। और जिस आदमी ने शिकायत करी है, क्या पता वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर था या नहीं था, ये भी अभी तक कोई मालूम नहीं है। क्या उसने कंपनी के दिए हुए कागजात जमा करवाए या नहीं है, ये भी कोई मालूम नहीं है। सिर्फ केस बताया जा रहा है, वो सिर्फ केस इस चीज़ का बताया जा रहा है कि कंपनी चिटफंड घोटाला करेगी, चिटफंड कंपनी है। लेकिन चिटफंड का तो इसमें कहीं नामो निशान नहीं है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसे लेती है, उसके जितना भी पैसा लेती है उसके बराबर उसको प्रोडक्ट देती है, तुरंत प्रोडक्ट देती है, आप वहाँ से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। और अगर आप कार्य करते हो, प्रोडक्ट आगे से आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आपके पास जो उसका कमीशन आता है या रॉयल्टी आती है 24 महीने तक, वो कंपनी देती है कि कोई आदमी कितना कार्य करेगा उसके हिसाब से कंपनी आपको पैसा देती थी। तो लेकिन शिकायतकर्ता पता नहीं कहाँ से आए हैं और किस हिसाब से शिकायत की है, ये अभी कोई मालूम नहीं हो रहा। जैसे ही फ्यूचर मेकर कंपनी के केस सोल्व होगा, उसके बाद ये फाइनल आएगा कि क्या रीज़न था, किन परिस्थितियों में आने के कारण उन्होंने कोर्ट केस किया और जो है कोर्ट में गए, अभी तक कोई मालूम नहीं है। और इन फ्यूचर में लगभग 10 या 15 दिन में लगभग ये फाइनल हो जाएगा कोर्ट केस। एक तो हो चुका है तेलंगाना कोर्ट में जो केस चल रहा था, उसका तो फाइनल लगभग हो चुका है। बेल की जो कार्य चल रहा था, वकील साहब जो है CMD के वकील साहब, उन्होंने बताया कि एक केस की फाइनल सुनवाई और बहस हो चुकी है, उसका डिसीजन फाइनल है। लेकिन दूसरी दो शिकायतें जो हिसार हरियाणा में और एक फतेहाबाद हरियाणा में जो केस हुआ था, उनकी सुनवाई होनी है। जब भी कोई किसी पे कोर्ट केस होने के बाद बेल लेनी पड़ती है, तो जितने भी कोर्ट केस होते हैं उन सभी की सुनवाई के बाद ही जमानत या बेल दी जाती है। तो दोस्तों, ये भारत के संविधान या भारत के कानून में है कि जितने भी कोर्ट केस लगे हुए हैं उनकी सुनवाई के बाद ही जमानत दी जाएगी, ये मेन फैक्टर लगा हुआ। अगर फतेहाबाद और हिसार में कोई केस नहीं होता तो 29 तारीख की जो सुनवाई थी, हीरिंग थी, 29 या 28 तारीख की, उस दिन ही बेल मिल जाती और CMD अब तक हिसार पहुंच जाते हेड ऑफिस। तो दोस्तों, अगर सबसे बड़ी बात और ये भी है कि कंपनी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने संयम बना के रखा है और कंपनी प्रशासन का साथ दे रही है, हर हर कदम पे साथ दे रही है कि जितनी भी जांच हो आप जांच कीजिए और कंपनी को जल्द से जल्द क्लीन चिट दीजिए और कंपनी का कार्य शुरू किया जाए। दोस्तों, कंपनी ने इस तरह का कार्य किया था कि जो लोग बेरोजगार हो चुके थे
नशे नशे के आदि हो चुके थे, जिन्हें आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कंपनी ने वो रास्ता दिखाया और कंपनी में उन्होंने कार्य करना शुरू किया और उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने खूब पैसा कमाया और खूब नाम कमाया, लेकिन अब वो नाम कमाया हुआ कंपनी कंपनी का इतने बुरे दिन नहीं देख सकता। अब क्या करे, जल्द से जल्द यही आशा करके बैठे हैं लोग कि जल्द से जल्द कंपनी का कोर्ट केस का फाइनल हो और जल्द से जल्द काम शुरू करे। तो दोस्तों, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी इसके कर्मचारी है, वो धैर्य बनाए रखें। कंपनी एक नंबर पे और 100% सच है और सच पे कार्य कर रही थी। हर घर रोजगार और हर 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 भूखे और प्यासे को पानी और खाना देने का कंपनी के CMD का जो नारा है, वो आगे बुलंद रहे और चलता रहे, हम यही आशा करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जय फ्यूचर मेकर वीडियो के लास्ट में कॉमेंट में लिखना ना भूलें। जय फ्यूचर मेकर, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।